सो दोस्तों आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो आपके पास अगर अलाइट मोशन नहीं है तो चल जाइए टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो चल जाइए साइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और वहाँ की अलाइट मोशन मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं मिलेगा, तो लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा यही होता है ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ट्यूटोरियल देखने के लिए, न्यू ट्रेंडिंग फास्ट में देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बनाने के लिए है इस तरह का जो है एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि साइट पे मिलेगा। तो कहते हैं ना फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, तब ना इस तरह का ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो इस तरह से देखो, इस तरह से रहेगा पहला जो प्रोसेस होगा। तो आपका जो पहला प्रोसेस होगा करना क्या है, तो इसमें सिला फिलहाल के लिए जाते हैं। उसका जो है इसमें नीचे आने के बाद इस पर टैप कर लेना जो कि फॉन्ट है, ये टेक्स्ट पे टैप करना और ये वाला फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, टर्न पे क्लिक करना। ये फॉन्ट आपको साइट पे मिल जाएगा www.bittukieedit.in पे चल जाना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, ग्रुप पे टैप करना, ए टेक्स्ट पे जाना, मतलब एडिट ग्रुप पे जाना, स्क्रॉल करना, उसके बाद इस पर टैप करके ए टेक्स्ट पे जाना। उसके बाद ये वाला फॉन्ट इसमें भी सेलेक्ट कर लेना। पहले आपको अगर फॉन्ट चूज कर लीजिएगा, उसके बाद इस फीचर को इंपोर्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो सकता है आपका फॉन्ट नहीं चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर वाला लेयर पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे iOS फ़ोन को सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद सीधा बैक करना है, बैक करने के बाद सीधा सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंड ग्रुप ये है जिसमें भी आपको एडिट ग्रुप पे जाके उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना, फ़ोन को सेलेक्ट कर लेना और ऊपर में भी आपको iOS फ़ोन को सेलेक्ट कर लेना जो कि इमोजी वाला है। तो सेलेक्ट कर लेने के बाद सारे में आपको कर लेना जो कि इस तरह से हम ऑलरेडी कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको भी कर लेना जितना भी फ़ॉन्ट है सब में। तो इस तरह का फ़ॉन्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना जो कि 7.21 सेकेंड पर आ जाना। 21 सेकेंड से आपको यहाँ से जो है आपको पिक इंपोर्ट करना है। तो किस तरह से पिक इंपोर्ट करना है तो उसके लिए वीडियो पर बने रहिएगा, बिना स्किप कीजिएगा, तभी जान पाइएगा मेन मुद्दा है। तो इस पे टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर फिल पे जाते हैं। उसके बाद फिलहाल के लिए हम एक वाई का पिक लेते हैं, इसको एक लेते हैं और उसके बाद इसको ये ले लेते हैं। फिर सेकेंड में आते हैं, वही वाला पिक को इंपोर्ट कर लेना, कलर फिल पे जाना, इस पे टैप करना, वही वाला पिक को इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर इसमें जाते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस से आपको पिक को इंपोर्ट कर लेना। तो जो कि इस तरह से हम कर लिए हैं तो कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ करना है पिक इंपोर्ट जो कि हम कर लेते हैं फास्ट में। तो इस तरह से कर लेना है। तो हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। तो गाइस हो जाने के बाद आपको इसको देखो ग्रुप 2 है, तो ये पिक मतलब ये फ़ोटो का जो है फोटो 1 था। तो उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रुप 2 है, इसमें टैप करना, एडिट मतलब जो इसमें कुछ नहीं करना, सीधा आपको मतलब और आगे आ जाना। यहाँ पे होगा आपको इस पर टैप करना, देखो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है फोटो 2, इस पर आ जाना, कलर फिल पे आ जाना, फिर स्टार्ट मीडिया पे जाना। उसके बाद फिर अलग पिक को इंपोर्ट कर लेना जो कि ये वाला लेते हैं। फिर सेकेंड में भी जाके पिक को वही वाला इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर से अगले आगे जाते हैं, आगे आपको थर्ड मतलब 4 पिक होगा। तो फिलहाल के लिए हम देखो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे 4 पिक पे आ जाना, 4 पिक पे आ जाने के बाद यहाँ पे कलर फिल पे जाना। उसके बाद यहाँ पे जो है 4 पिक अगर गर्ल्स का देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, अदरवाइज बॉय का देना चाहते हो वो दे सकते हो। हम फिलहाल के लिए बॉय का ही देते हैं। और प्रीव्यू में देखा होंगे गर्ल्स का भी एक था, तो उसको दे दिए तो हसीना वगैरह, तो इस तरह से दे दिए। फिर जाते हैं 5 नंबर पिक पे, 5 पे फिर जाते हैं, कलर फिल जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिलहाल के लिए एक पिक को ले लेते हैं, इस तरह का ये वाला पिक लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद फिर 5 नंबर का ऊपर लेयर होगा, उस पर टैप करके कलर फिल पे जाते हैं, वही वाला पिक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक आपको करना है जो कि स्टार्ट होगा आपका यहाँ से 18 0.16 सेकेंड से और इस ख़त्म जो होगा वो उसके बीच में 20.25 सेकेंड तक। तो इस यहाँ तक आपको सेमी पिक को ऐड करना, जो कि देख सकते हो इस तरह से 5 लेयर का होगा, 5 पिक वाला होगा। तो इसमें आपको वही वाला पिक को इंपोर्ट कर लेना, जो कि हम इस तरह से कर लेंगे। ऊपर वाला में वही वाला पिक को जो नीचे में ऐड किए हैं वही वाला सेम पिक को ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेना। तो इस तरह से कर लेना। तो देखो इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डबल बीट है, तो यहाँ से डबल बीट है। उसके बाद यहाँ से आपको इस पे टैप करना। देखो यहाँ पे फोटो 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फोटो 6 पे आ जाना, उसको कलर फील्ड पे आना। इसके बाद यहाँ पे फिर अलग पिक को चेंज करना है यहाँ से। तो फिलहाल हम पिक को इसको चेंज करते हैं, इस पर टैप कर लेते हैं, कलर फील्ड पे ना कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ से आपको जो स्टार्ट होगा डबल बीट होगा यहाँ पे, वहाँ के उसके बीच में करना है। तो इसमें भी आपके कलर फील्ड पे जाते हैं, मीडिया पे जाते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस आपको ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से डबल बीट यहाँ तक है, यहाँ तक कर लेना। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे फोटो 7 है, इसमें भी जाके आपको कलर फील्ड पे जाके पिक को अलग कर लेना। तो इस तरह से पिक को अलग पिक को सेलेक्ट कर लेना। फिर अगले इसको लेते हैं। उसके बाद फिर ऊपर वाले लेयर में आपको इस पिक को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जो है आपको 7 पिक है यहाँ तक, जो कि यहाँ तक है रहेगा। तो 26.11 सेकेंड तक रहे। तो इसके भी अंदर में आपको सेमी पिक को ऐड करना है, जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से 23.5 सेकेंड तक और ख़त्म होगा 26.11 सेकेंड तक। तो यहाँ तक वही वाला सेम पिक को ऐड करना। फिर यहाँ से आपको पिक चेंज करना है, जो कि यहाँ तक 29.20 सेकेंड तक, उसके बीच में आपको सेमी पिक को ऐड करना है। उसका फिर आगे जाना, डबल बीट जहाँ भी होगा तो वहाँ से आपको सेम पिक होगा। फिर अगर डबल बीट है वहाँ से अलग पिक को ऐड करना है। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हो, तो उस तरह से कर लेना। उसका देखो कमाल का वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इजी स्टेप में वीडियो बना लिए होंगे। लाइक कर देना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ चुके सब्सक्राइब कर देना है। तो अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर जा रहे होंगे, जो कि पासवर्ड नहीं लगा होगा, पीछे मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो मटेरियल। तो मिलते हैं ऐसे ही। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।